लगता तो भाई यही है। सर रजनी मैडम का ऑफिस यही है। ओए क्या हुआ भाई? सर कौन? गार्ड है। वो सिक्योरिटी गार्डो को कौन सर कहता है? हवा खराब हो जाती है इन लोगों की। अच्छा ठीक है ठीक है। इधर देख। ओ बुड्ढे रजनी का ऑफिस यही है? हाँ साहब यही है। देखा छोटे ऐसे वो इन लोगों को ज्यादा इज्जत पसंद नहीं आती, सिर पे चढ़ जाते हैं ये। ठीक है अब देखें कौन जीत। कुत्ता कहीं का? क्या हुआ? खुला नहीं तो। ओ बुड्ढे कहाँ से? ओ उठा इसे। समझ गया भाई। बुड्ढा कितनी धीरे काम करता है। मैडम जी मैं आई कमिंग जी। यस प्लीज। हाँ तो चलो बैठो जी बैठो। छोटे फाइल दे लीजिए मैडम। फाइल लीजिए। अब वो मैडम जी छोटा सा काम था, अगर आप साइन कर देते तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाता चौधरी भाइयों का है। आप कहें तो हम चाय पानी भी वो भी हो जाएगा, चिंता मत करिए। नो थैंक्स, मैंने आपकी फाइल देख ली है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, मैं साइन कर देती हूँ। ये तो कमाल हो गया जी। कमाल हो गया। हम तो सोच रहे थे मैडम जी पता नहीं कितने चक्कर लगेंगे, कितनी रिश्वत लगेगी, तब जाके काम होगा। आपने तो 5 मिनट में हमारा काम कर दिया जी। वाह चौधरी पे आपका एहसान रहेगा जी। ये कैसा एहसान? मेरी ड्यूटी है और इसी की मैं तनख्वाह लेती हूँ। हो जी वाह, क्या बात। आजकल कहाँ सुनने को मिलती है ये बातें जी। बिल्कुल नहीं, ये आपकी वजह से ये देश चल रहा है जी, आप जैसे लोगों की वजह से। बस जी हो गया फैसला छोटे, आपको कभी भी हमारी जरूरत पड़े आप हमें एक फोन कीजिए, आधी रात को भी खड़े हैं जी। बिल्कुल अजमा के देखिएगा, कुछ भी कर लेंगे आप। कुछ भी जी, मौका तो दीजिए आप। प्रॉमिस सोच समझ के कीजिएगा। दे यार प्रॉमिस मैडम जी, प्रॉमिस। चौधरी भाइयों का बोलिए आप। हाँ। क्या बाद में मुकरिएगा मत। चौधरी भाइयों का प्रॉमिस ऐसे कैसे मुकरेंगे जी। ठीक है बस जाते जाते आप एक काम जरूर करके जाइएगा। बोलो जी। एक क्यों दो कर देते हैं जी? वो गार्ड देख रहे हैं आप? वो सिक्योरिटी गार्ड बड़ा और यार निकम्मा है, क्यों रखा है इसको? उसको जाते जाते सॉरी सर और थैंक यू सर जरूर बोल के जाइए। सॉरी सर थैंक यू सर, ये क्यों जी? सॉरी इसलिए क्योंकि आप दोनों ने उनके साथ बदतमीजी की है, और थैंक यू इसलिए कि आज उन्हीं की बदौलत आपका काम इतनी जल्दी हुआ है। लेकिन उनकी वजह से कैसे? क्योंकि वो मेरे पिताजी हैं, आज उन्हीं की मेहनत से आज मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ, उन्हीं के संस्कार हैं कि आज मैं इतनी ऑनेस्टी से काम कर रही हूँ। वो आज भी अपनी ड्यूटी करते हैं ताकि मैं ये कभी ना भूलूं कि मैं कहाँ से उठी थी। सॉरी मैडम जी, रियली सॉरी जी। ओ जी हम भूल गए थे भी सिक्योरिटी गार्ड भी इंसान ही होते हैं जी। ओ जी एक बार माफ कर दीजिए मैडम जी, गलती हो गई जी। सॉरी मुझे नहीं, उन्हें बोलिएगा। हमें माफ कर दीजिए। तेरी सोच का गुरूर तुझे कितना गिरा देता है, तेरी होश का फितूर तुझे अंधा बना देता है, मैं से आगे कुछ दिखता ही नहीं, हर बड़ी कुर्सी के तलवे चाटना और कोई मेहनत कश तो इनके लिए इंसान ही नहीं।